हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम सेक्शन 80DD(b) को डिटेल में समझने वाले हैं। सेक्शन 80DD(b) सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है और इसमें सीनियर सिटीजन्स अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सेक्शन 80DD(b) के बारे में। इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल्स अबव 60 इयर्स ही क्लेम कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या फिर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो आप सेक्शन 80DD(b) के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अगर आप NRI हैं तो आप इस सेक्शन का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं, भले ही आप सीनियर सिटीजन हों। तीसरी कंडीशन है कि इस पर आपको डिडक्शन सिर्फ इंटरेस्ट इनकम के लिए मिलता है। अगर आपने अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में कोई इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड की हुई है तो उसका डिडक्शन आप 80DD(b) के अंदर ले सकते हैं। लिमिट क्या है हम आगे देखेंगे। कौन कौन से इंटरेस्ट पर यहाँ पर डिडक्शन मिलता है? अगर आपको FD से कोई इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, सेविंग अकाउंट से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपॉजिट से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये सारे इंटरेस्ट अमाउंट डिडक्शन के लिए क्वालिफाई है। इनके अलावा अगर कहीं और से आपको कोई इंटरेस्ट अर्न हो रहा है तो उसका डिडक्शन आप 80DD(b) के अंदर नहीं ले सकते हैं। तो कौन कौन से इंटरेस्ट पर आपको डिडक्शन क्लेम करना है? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपॉजिट्स। इसके अंदर हमें मैक्सिमम 50,000 रुपीज का डिडक्शन मिलता है। जितना भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट है या फिर 50,000, जो भी इसमें से कम होगा, विच एवर इज लेस, उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटरेस्ट अमाउंट जो आपने ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड किया है वो 65,000 है, तो सेक्शन 80DD(b) में आपको सिर्फ 50,000 रुपीज का ही डिडक्शन मिलेगा, जो कि मैक्सिमम लिमिट है, और जो एडिशनल 15,000 बच गया वो टैक्सेबल हो जाएगा एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब रेट। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि आपका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स जो आपने ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड किया है वो 40,000 रुपीज है, तो आपको डिडक्शन सिर्फ 40,000 रुपीज का ही मिलेगा, क्योंकि विच एवर इज लेस यहाँ पर अप्लाई होता है, 40,000 लेस है तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। और जो 10,000 रुपीज आपके बच गए डिडक्शन लिमिट के, वो लैप्स हो जाएंगे, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 80DD(b) के बारे में मेन पॉइंट्स जान लेने के बाद अब हम देखते हैं कि किन लोगों पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, कौन लोग सेक्शन 80DD(b) का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं, अगर आपकी एज बिलो 60 इयर्स ऑफ एज है तो आप इस डिडक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, तब आपके लिए सेक्शन 80TTA है। सेक्शन 80TTA में आप किस तरह से डिडक्शन क्लेम करते हैं और ITR 1 और ITR 2 में उसे कैसे दिखाते हैं, हमने डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया था, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आप सेक्शन 80TTA के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम अर्न हो रही है किसी फर्म से या एसोसिएशन से, तो उस इंटरेस्ट इनकम पर भी आपको ये डिडक्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको डिडक्शन किस अमाउंट का मिलेगा? सिर्फ अगर आपने सेविंग बैंक से कोई इंटरेस्ट अर्न किया, FD से किया, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से किया या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपॉजिट से किया, सिर्फ उसका डिडक्शन यहाँ पर मिलता है। और लास्ट है NRI। अगर आप नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं, तब आप इस सेक्शन का डिडक्शन नहीं ले सकते हैं, भले ही आप सीनियर सिटीजन हो या फिर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो। ये डिडक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि लोग पूछा करते हैं इस सेक्शन से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्या सेक्शन 80DD(b) के अंदर हमें सेविंग अकाउंट और FD फिक्स्ड अकाउंट दोनों का ही डिडक्शन मिलता है? तो जी हाँ, यस, यू कैन क्लेम इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड फ्रॉम सेविंग अकाउंट एंड FD बोथ। अगर हम सेक्शन 80TTA के बारे में बात करें तो वहां पर हमें सिर्फ सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है कि वो FD के इंटरेस्ट का डिडक्शन भी यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं और लिमिट है 50,000 रुपीज तक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सीनियर सिटीजन्स सेक्शन 80TTA या फिर 80TTB दोनों में एक साथ क्लेम कर सकते हैं? और ये क्वेश्चन सिर्फ सीनियर सिटीजन्स नहीं पूछते, ये बिलो 60 इयर्स ऑफ एज जो कि सीनियर सिटीजन्स नहीं हैं, वो भी पूछते हैं कि क्या हम 80TTA और TTB का डिडक्शन एक साथ क्लेम कर सकते हैं? तो जी नहीं, आप दोनों का डिडक्शन एक साथ क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये सेक्शन सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाया गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या सभी तरह के टर्म डिपॉजिट्स 80TTB के लिए एलिजिबल हैं? तो यस,
ATTTB का डिडक्शन आपको सभी तरह के टर्म डिपॉजिट्स पर मिलता है जो कि आपने बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में बनवाए हों। इसके बाद है कि क्या अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं और आप सीनियर सिटीजन हैं और वहां से आपको कोई इंटरेस्ट अर्न हो रहा है तो आप इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। तो जी नहीं, अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं और वहां से आपको इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, भले ही आप सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन आप इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। कौन कौन से डिपॉजिट्स पर हमें डिडक्शन मिलता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ सेविंग बैंक, FD और सेविंग बैंक और FD आपने कहां पर करवाए हों, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में। नेक्स्ट है, हु कैनॉट क्लेम ATTTB, कौन लोग हैं जो ATTTB क्लेम नहीं कर सकते हैं। वो सभी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स जो कि बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं, आप इंडिया के रेसिडेंट हैं लेकिन आप 60 ईयर्स से कम हैं, या फिर आप नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हैं, भले ही आप सीनियर सिटीजन हैं लेकिन आप एक NRI हैं, तो आप ATTTB का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्या अगर हम न्यू रिजीम में ऑप्ट करते हैं तो हम सेक्शन ATTTB का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो जी नहीं, अगर आप न्यू रिजीम में ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको वहां पर कोई भी डिडक्शन या फिर कोई भी एग्जेम्पशन क्लेम नहीं मिलता है। यहां तक कि आपको अपनी सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपीज है वो भी नहीं मिलता है। अगर आप न्यू रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो वहां पर कंपैरेटिवली टैक्स रेट्स काफी कम है, लेकिन वहां पर आपको कोई भी एग्जेम्पशन और कोई भी डिडक्शन नहीं मिलते हैं। सेक्शन के बारे में डिटेल में जान लेने के बाद आइए देखते हैं कि इनकम टैक्स पोर्टल पर हम ITR 1 में ATTTB का डिडक्शन किस तरह से क्लेम करेंगे। सबसे पहले हमें इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। इनकम टैक्स की साइट होती है incometax.gov.in। यहां पर हम लॉगिन करेंगे अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर। लॉगिन करने के बाद हमारे पास इस तरह से डैशबोर्ड आता है। यहां पर हमें जाना है ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन, कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू, सेलेक्ट ITR फॉर्म 1, प्रोसीड, स्टार्टेड, टैक्सेबल इनकम मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, कंटिन्यू, ओके। अब सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर लेने के बाद हम ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सैलरी एग्जेम्पशंस हैं, अगर कोई एग्जेम्पशन है तो आप क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर स्किप कर देना है, कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो रही है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पर प्री फिल्ड डेटा में हमें दिख रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, यहाँ पर बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंटरेस्ट हमें दिख रहा है। अब ये इंटरेस्ट आपको कहां कहां से अर्न हुआ है ये आपको अपने फॉर्म 26AS से चेक कर लेना है। अगर ये इंटरेस्ट आपका सेविंग बैंक से है, पोस्ट ऑफिस से है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से है या फिर बैंक की FD से है, तभी आपको डिडक्शन क्लेम करना है ATTTB का। अगर कहीं और से ये इंटरेस्ट आ रहा है तो आप डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे। कैसे चेक करना है, आपको अपना फॉर्म 26AS डाउनलोड करना है और वहां से आपको ये चेक कर लेना है कि ये इंटरेस्ट का अमाउंट आपको कहां से रिसीव हुआ है। अगर अमाउंट सही है, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो गई है और हमारे इंटरेस्ट का अमाउंट भी यहां पर ऐड हो चुका है। पहले हमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करना है, उसके बाद हमें डिडक्शन क्लेम करना है। डायरेक्ट हमें डिडक्शन यहां पर क्लेम नहीं करना है। अब हम डिडक्शंस पर जाएंगे। यहां पर हमें नीचे ऑप्शन मिलेगा, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट सेक्शन ATTTB। यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक लिखा हुआ है, इससे आप कंफ्यूज मत करिएगा। सेक्शन ATTTB सिर्फ सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये FD और पोस्ट ऑफिस के लिए भी है। यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। अब ये आपसे शेड्यूल फिल करने के लिए कहेगा, शेड्यूल नेक्स्ट पेज पर हमें मिलता है, हम यहाँ कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ये ATTTB हाईलाइट हो गया है, TTA यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है। एड पर क्लिक करेंगे। अब अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन ATTTB, तो वहां पर हमने देखा था कि काफी हैवी अमाउंट आ रहा था, तो यहाँ पर हम पूरा डिडक्शन 50,000 रुपीज का क्लेम कर सकते हैं। अगर वहां पर 50,000 रुपीज से कम का अमाउंट होता तो हम यहाँ पर कम को क्लेम करते। अब हम यहाँ पर एड पर क्लिक करेंगे और ये डिडक्शन का अमाउंट यहाँ पर एड हो गया है ATTTB में, 50,000 रुपीज आ जाएंगे। और हम नीचे देखेंगे कि यहाँ पर टोटल डिडक्शन में भी 50,000 आ गए हैं, यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे और टोटल डिडक्शंस ये कॉलम भी कंफर्म्ड हो गया है, यहाँ पर 50,000 रुपीज डिस्प्ले होने लगे हैं। इसके अलावा अगर कोई और डिडक्शंस हैं तो हम यहाँ पर फिर से क्लिक करके
डिडक्शंस को ऐड कर सकते हैं, और अगर कोई डिडक्शन नहीं है तो सिंपली हमें आगे प्रोसीड कर लेना है। तो बस फ्रेंड्स, यही था सेक्शन 80TTB। इसके बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल्ड में देखा, और साथ ही हमने ये भी देखा कि ITR 1 में आपको इस सेक्शन के लिए शेड्यूल को किस तरह से फिल करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि 80TTB को हम ITR 2 में कैसे दिखाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।